किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ में। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने जो हैं दो भाई तैयार हैं, दो स्प्रे रखी हैं, तो समझ गए होंगे कि आज जो है स्प्रे करवा रहे हैं। तो दोस्तों दवाई कौन सी है उसके बारे में जानकारी देंगे आपको, और इस समय जो है कौन सी आप दवाई कराओ। तो सबसे पहले आज जो है भाइयों करवा रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम है हमारे पास में दो सेट बच गए थे क्लैरागो दवाई के। ये जो है इसमें हमने 2 एकड़ में कम से कम 24 डब्बे हमने इसमें बना लिए। अब ये देखो ये भाई इसमें घोल रहे हैं। ये सेटअप जो है लगभग 2 एकड़ का एकदम ही बना लिया। इसे घोल लेंगे, साफ कर लेंगे अच्छे तरीके से। और भाइयों दूसरी दवाई जो है ये हेक्जा फोर्स के नाम से आती है, और इसे जो है दूसरी बाल्टी में 24 डब्बे बना के 2 एकड़ में कम से कम इसे बना लेंगे। पहले इसका सेटअप इसमें डाल लेंगे। ये डाल दो इसमें, देखो जी ये दोनों बोतल इसमें डल गई। और इस बोतल को जो है अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे बिल्कुल, थोड़ा सा पानी लेंगे। और फिर उसके बाद में जो भाई दूसरी बाल्टी में पानी भर रहे हैं उसमें ये वाली दवाई डाल लेंगे 2 सीसी। ये थोड़ी सूखी आती है, साथियों देख सकते हैं इसमें जो है ये दवाई कर लेंगे। तो दो सेट जो हमारे पास बचे हुए थे अब हम दोनों दवाई जो है इसमें डाल लेंगे। और ये जो है पाउडर फॉर्म में आती है, ये देख लो जी, डाल दो डाल दो, फिर लकड़ी से घुमा दियो चाहे। ये देखो पूरे डिब्बे को उलट दो एकदम, कोई दिक्कत नहीं, पलट दो पलट दो, पीछे को हो जाओ सांस से मैंने चढ़ दो। भाइयों एक बात का ध्यान रखें कि जब इसमें जो है जब डाल लें तो इसमें डाटा मार के रखें कि जिससे कि ये सांस के माध्यम से शरीर में अंदर ना जावे, क्योंकि नुकसान होता है। और भाइयों देखो ये साफ़ कर लिया, अभी ना जो है साफ़ करके इसमें डाल लेंगे। जो इसकी खाली बोतल होती हैं बहुत किसान भाई इन्हें हला के बाहर डाल देते हैं। इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या है, कोई जंगली जानवर या छोटे बच्चे, छोटे बच्चों को क्या क्रेज होता है इन बोतलों में पानी भर लेते हैं और घूंट घूंट करके पीते हैं, जो उन्हें बहुत नुकसान हो जाता है। बाजी जगह तो कई बच्चों की मौत भी हो चुकी है इस तरीके से। तो ये है, और ये भाई जो है दोनों पेट्रोल की मशीन लेकर आए हैं। और इन भाइयों ने देखो कितना अच्छा एक कवर बना रखा। भैया घूम जाइए एक मिनट, ये देखो जी, और इसके अंदर इन्होंने जो है पन्नी का भी वो बना रखा सेटअप, देखो। तो ये बिल्कुल अंदर आला नहीं होता होगा जी, देखो जी देखो कवर कितना शानदार, दवाई अंदर नहीं हो जाती। और ये भाई जो है मोहसिन भाई हैं फलावदे से, फलावदे से आए हैं स्प्रे करने। और अगर किसी भाई को पास के हो, एक मिनट पूछ लूँगा, भैया कितनी दूर तक करना चले जाओ स्प्रे? मेरठ खतौली दोराला। अच्छा, मतलब अपने फलावदे से 15-20 किलोमीटर तक जी, 10-15 किलोमीटर तक, ठीक है। अब जो है जैसे आप टंकी कर रहे हैं, अब क्या रेट चल रहा है किराए का? जी 50 रुपये। 50 रुपये जो बड़े गन्ने हैं जी, ठीक ठीक जो आसपास के गांव है। हाँ आसपास में, अगर कोई दूर बुलाने लगे तो उसमें जो है आने जाने का खर्चा अगर कोई भाई दे दे तो करी आओगे दूर तक? बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं भाइयों। अगर किसी भाई को स्प्रे कराने की दिक्कत पड़ रही है, लेबर नहीं है, तो इन भाई के पास में अपनी मशीन है, सब कुछ सेटअप है ये खुद भी। और 50 रुपये टंकी का अभी इनका रेट चल रहा है फिलहाल। अगर कोई भाई 20-30 किलोमीटर दूर ज़्यादा इन्हें बुलाना चाहे तो भाई आने जाने का खर्चा बाइक का दे दियो, तो ये भाई वहाँ भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें तो बहुत ही अच्छा काम लगा, क्योंकि हमारे रमन भैया जो हैं काफ़ी अच्छे किसान हैं, उन्होंने हमें सलाह दी थी। क्योंकि आपको पता है मालूम है कि हमारे पास में सब एम्प्लीमेंट हैं, लेकिन मेरे जो है पीछे से स्लिप डिस्क हो गई थी, लेकिन मैं कर नहीं पाया स्प्रे, तो इन भाइयों को बुलाना पड़ा मुझे फिर एकदम। अब जो है इसमें घोल लेते हैं, करते हैं स्टार्ट। और भाइयों जैसा बरसात का मौसम है तो भाइयों अब इसमें थोड़ा सा जो है स्टिकर भी ले लेंगे। भैया 2 ढक्कन ले लियो हैं भाई, 2 ढक्कन इसलिए ले लेंगे, इससे क्या बेनिफिट होगा कि जो मान लो ये दवाई की बूंदों को बारीक कर देगी और उसे फैला देगी बिल्कुल पत्ते पर अच्छी तरीके से, इसका जो है चिपक बन जाएगी। और इसका जो है दवाई का जैसा मोहसिन भाई बता रहे हैं कि इसका रिजल्ट और बढ़ जाता है थोड़ा सा। और जैसे कि दवाई का रिजल्ट होगा 10 दिन का, 10 दिन का होगा तो 15 का कर देगी बिल्कुल बिल्कुल। और भाइयों महंगी दवाई आती है तो आप इसे ज़रूर लगाओ, मैं
हमारे पास में तो अभी छोटा ही सेटअप है, आने वाले समय में जब बड़ी मशीन ले लेंगे फिर उसके हिसाब से घोलेंगे। एक एकड़ की दवाई जो है कम से कम 250 लीटर पानी में डाल लें, घोलेंगे, जब आपको बढ़िया रिजल्ट इसका मिलेगा। किसान भाइयों, जब भी आप स्प्रे करें या करवावें इस चीज़ का ध्यान रखें, ये जो टैंक होते हैं इन्हें कम से कम आधे आधे पानी भर लें जब उनमें दवाई डाल लें। बहुत बार क्या होता है, कुछ भाई पहले दवाई डाल दें तो वो सारा पंप वगैरह में घूम जाए दवाई दवाई, और जब शुरुआत करें ना तो एकदम दवाई निकल के पड़े जी, फिर वो लास्ट वाली ऊपर रह जाए। तो ये दवाई हमेशा चाहे मशीन में डाल लो 1 लीटर पानी, पहले पानी डालना चाहिए फिर दवाई फिर ऊपर से पानी, तो इससे ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसका जो है मिश्रण बन जा, बहुत गजब का। भाइयों, भाई ने जो है मशीन टांग ली है, ये देखो चलते हैं और उस खेत में करेंगे, देखेंगे किस तरीके से चलेगी। दोस्तों अब जो है मशीन स्टार्ट होगी, देखो जी एक दूसरे की स्टार्ट कर देंगे भाई। लो जी मशीन होगी स्टार्ट, बना लो फुहारा बढ़िया सा। देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छे तरीके से स्प्रे शुरू होगी, और ये जो है बैक में चल रहे हैं इनकी टेक्निक मुझे सबसे अच्छी लग रही। देखो जी धुआं धुआड़ कर दिए एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त मजा आ गया जी। और इधर जो है ये अपना वो है सागौन वाला खेत, श्री माता जी वाला नाम रख रखा हमने इसका। कुछ भाई ये कहते हैं कि नाम में क्या रखा, भाई ये सब कुछ रखा नाम में ही है सब कुछ, और दुनिया नाम के ऊपर ही अलज पलज है। तो मैं बता दूं, जब से इसका खेत हमने श्री माता जी वाला रखा, इसमें आमदन का कोई तोड़ नहीं, इतना जबरदस्त इसमें उत्पादन हो जा, बहुत शानदार। देखो जी किस तरीके से दिखाई दे रहा होगा बाहर को आपको, भापी सी आ रही, वो देखो आम के पेड़ के पास में, ये देखो बहुत जबरदस्त फुहारा जी। तो भाइयों बिल्कुल भी ठल्ली ना रहो, कुछ भाई ये समझे कि मतलब काम चल गया अब क्या जरूरत है, अब तो गन्ना बंद गया ना फंगस आ रही ना टोबोर आ रहा, तो भाइयों नींद को उतार दो, आड़गस को उतार दो। मैं ये कह रहा हूँ फिर भी आपको वीडियो के माध्यम से, ज़रूरी नहीं है ये दवाई आप करो जो मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ ना कुछ दवाई ज़रूर करो, क्योंकि एक तो ये स्प्रे होगी और एक स्प्रे होगी 25 अगस्त से जो अपना शुरू सितंबर है, 5 सितंबर के बीच में जो 8-10 दिन का टाइम होगा उस टाइम पे स्प्रे ये होगी। वैसे ये जो दवाई है हम इसलिए कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि लगातार हम 3 साल से इस दवाई का यूज कर रहे हैं, और गन्ना आपके सामने खड़ा कैसा खड़ा, कैसा हम गन्ना डाल रहे हैं, लास्ट के दिन तक भी हमारी ट्रोली जावे। बाकी आप समझदार हैं। वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, लाइक शेयर करें। नमस्कार।